खुशी रहो, वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम कर रही है। विदेश से पढ़ के लौटी है ये मुस्लिम लड़की, कर रही है गांव में ऐसा काम कि जान के हो जाएंगे आप हैरान। एक्चुअली ऐसा काम सरकार को करना चाहिए, पर ये काफी ज्यादा आगे बढ़ के काफी अच्छे काम कर रही है लोगों के लिए। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। उड़ीसा के गजापति से हमारे सामने मामला आ रहा है जहां पर नफीसा नाम की एक लड़की काफी ज्यादा काबिले तारीफ काम कर रही है जो कि सरकार को करना चाहिए, पर सरकार बस अपनी नींद में काफी ज्यादा व्यस्त है, सोए जा रही है। बोलती काफी बड़ी बड़ी बातें हैं सरकार पर, करती बहुत ज्यादा कम है। पर यहाँ पर नफीसा ने कुछ अलग ही कर दिखाया है। नफीसा पहले लंदन में एक पढ़ाई करती थी और उसे दौरान ही वो मुंबई वापस आ गई अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद, और मुंबई में जॉब करना शुरू कर दिया और एक टीचर की जॉब कर रही थी। उसी दौरान उसको अपनी जॉब में अच्छा नहीं लग रहा था और वो जॉब से निकलना चाहती थी, और इसी दौरान वो काफी सारी संस्थाओं के साथ भी जुड़ी और संस्थाओं के साथ जुड़ के उसको काम करना काफी ज्यादा अच्छा लगा, लोगों की मदद करना काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके दौरान ही वो गजापति भी गई और जब वहां पर गई, उस गांव में गई, तो वहां पर जाके उसने देखा कि वहां के लोग आज तक पिछड़े हुए हैं बहुत ज्यादा। उनको स्टडी में, डांस में या कल्चर में अलग अलग चीजें करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वहां के लोग काफी सारी बीमारियों से पीड़ित है। मलेरिया वहां पर ज्यादा होता है, गंदगी वहां पर ज्यादा है और वहां के लोग जो इतना ज्यादा ये सब चीजें बीमारियां हैं, पर वहां के लोग हॉस्पिटल जाना या डॉक्टर के ऊपर बिलीव करना या दवाइयों के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। वो लोग कुछ भी हो जाए तो अपने घर के अंदर ही बैठे जो भी इलाज उनके बुजुर्गों ने बताया हुआ है सिर्फ वो ही आज तक करते आए हैं। तो नफीसा ने सोचा कि वहां पर रह के कुछ किया जाए, तो नफीसा ने ये डिसाइड कर लिया और वहां पर एक स्कूल ओपन किया। और स्कूल ओपन करने के बाद वहां पर बच्चे नहीं आते थे, वहां पर घरों में बच्चे नहीं भेजे जाते थे। उसने बहुत ही ज्यादा तरीका अच्छा अपनाया और वो डांस में काफी ज्यादा अच्छी है। उसने सोचा कि डांस के तरीके से मैं इन तक काफी सारी बातें पहुंचा सकती हूँ, तो उन्होंने डांस करना लोगों की तरफ पहुंचाया। पर पहले वो भी नाकाम रही, पर आखिरकार तीन लड़कियां दो लड़के राजी हो ही गए और राजी होने के बाद धीरे धीरे काफी सारे लोग उनसे जुड़ गए और अभी ये काफी सारी वहां पर काम कर रही है, लोगों को समझा रही हैं कि मलेरिया से कैसे बचा जाए। मलेरिया के लिए अगर कुछ भी ऐसी सब चीजें है तो हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर जानलेवा नहीं होते हैं जैसे वो सोचते हैं। उनकी सोच बदलने में बस अपनी जिंदगी वहां पर बिताई जा रही है और कोई भी उस गांव में टीचर पढ़ाने के लिए नहीं आता था, तो ये फॉरेन से मुस्लिम लड़की यहां पर काफी अच्छा काम कर रही है। जहां पर हमारी सरकार सो रही है वहां पर हमारे भारतवासी अंदर ही अंदर अपने फर्ज निभाए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा किया है नसीफा ने ये काम, उनको हम काफी अच्छा सल्यूट करते हैं और ऐसे ही काबिले लोग हमारी दुनिया में हर जगह पर हैं और वो करते रहते हैं और वो दिखावा नहीं करते हैं, बस अपने आप तक ही मतलब रखते हैं और लोगों को अच्छा करने में मतलब रखते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को इस लड़की के बारे में जान के काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को हमारी तरफ से जानकारी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट से बॉक्स भरते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।